Bonjour les étudiants, comment ça va? So children, I hope you are enjoying at home and taking care, very good care of yourself, okay? So this is our new class today, we are starting a new chapter today, lesson 1. I hope आपने पहले के जो chapters हैं, पहले का जो work है वो complete कर लिया होगा. So we will proceed further, okay? So चिल्ड्रन नाउ पहला जो चैप्टर था वो थोड़ा सा फ्रांस के बारे में इंफॉर्मेशन थी. अब प्रॉपर हमारा जो इस साल का सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी एंड ऑल. ओके, सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक लेसन वाइल आई लव एल सर द मैनुअल. ओके, हेयर आर द ब्रदर एंड द सिस्टर ऑफ मैनुअल. ओके, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, लेबलिंग दी है. इट मीन्स आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी पार्ट्स. ओके, यस, बॉडी पार्ट्स. सो वी विल लर्न द बॉडी पार्ट्स हियर. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड पेपर विथ यू, इन दैट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कॉन्जुगेट ई आर एंडिंग वर्ब एंड इन असेसमेंट ऑल्सो आई हैव गिवन. ओके, सो ग्रामर पोर्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑफ दिस चैप्टर. ग्रामर वोकैबुलरी इज बॉडी पार्ट्स. ओके, सो चिल्ड्रन आज मैं आपको ये पैसेज रीड करके बताऊँगी, इसे एक्सप्लेन करूँगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से करके देखेंगे, बनेगा गुड, नहीं बनेगा तो कल जब हमारी दूसरी क्लास होगी तो मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी. ओके, नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे. वॉयला गासो एन फील लिगासो इल्सपल देनी इलेवन. हियर इज अ बॉय एंड अ गर्ल. The boy, his name is Dennis Levine. Silofer, the Manuel. He is the brother of Manuel. Il a 16 ans. He is 16 years old. Il est grand et fort. He is big and strong. Regardez les jambes de Denis. Now, watch or look at the legs of Dennis. Okay? Elles sont longues. They are very long. Les bras de Denis sont aussi longs. Bras means shoulder. The shoulder of Denis are also long. Il parle anglais et français. He speaks English and French. La fille s'appelle Catherine Levine. The girl name herself Catherine Levine. Sœur of Sir the Manuel. She is the sister of Manuel. Elle est petite. She is small. Elle a les yeux bleus. She has blue eyes. Sa bouche est rouge. Her mouth is red. Elle a les cheveux longs et blonds. She is having long and blonde hair. Elle est belle. She is beautiful. Elle habite dans une grande maison. They live in a big house. Le frère et la sœur sont très proches. The brother and the sister are very close. Ils se disputent rarement. They dispute very rarely. Okay, so it's simple French given here. Just मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से रीड करेंगे. आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF फाइल विथ यू. ठीक है, तो PDF फाइल में एक बार देख के फिर से आप करने की कोशिश करेंगे. कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी. बहुत इजी है. पहला है आपको कंप्लीट करना है वर्ड्स टेक्स्ट में से ढूंढ के, जो भी सूटेबल वर्ड्स होगा. नेक्स्ट है दीज ब्रे ऑफ ओ ट्रू और फॉल्स एंड रिपोंडे ओ किस्ती. ओके, नाउ चिल्ड्रन लुविसाज. लुविसाज मीन्स द फेस. अब यहाँ पे फेस के पार्ट्स भी आपको दिए हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों का एक एक टेबल बनाएंगे हम, बॉडी पार्ट्स का अलग, फेस का अलग, और इनकी ड्राइंग भी आपको बनानी है. ठीक है, इतना काम आज आपको करके रखना है. मैं आपको बताऊंगी कैसे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर यू. नाउ इन द नेक्स्ट पेज वन वेरी स्मॉल पोएम हैज़ गिवन. ओके, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट और यू कैन से वेरी कॉमन पोएम इन फ्रेंच. ओके, फॉर द बिगनर्स. ये मैंने इसका वीडियो भी आपको सेंड किया है, लिंक सेंड किया है यूट्यूब का, प्लीज़ हैव अ लुक. नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे ग्रामर, ER एंडिंग वर्ब्स और थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ER, RE,
आईआर, ओके, ईआर एंडिंग वर्ब का मैंने कॉन्जुगेशन बताया है व्हाट टू डू, ओके, हम राधिकाल पोर्शन रखेंगे इन्फिनिटिव के साथ, राधिकाल रखेंगे, टर्मिनेशन जो पीछे का ईआर है उसको कट करेंगे, देन वी पुट ई, ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी, ओके, एंड इट्स लाइक दैट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एक बार उसे भी हम कॉपी में करेंगे, नहीं किया है तो, अगर कर लिया है इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना वर्क है आपको, कल जब मैं आपकी क्लास लूँगी तो सबसे पहले हम इसमें एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। एक बार आप पीडीएफ फाइल खोल के देखिए, अगर कोई डिफ़िकल्टी है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। फॉर ईच चिल्ड्रन आई हैव मेड दिस नोट्स, ओके, आपको कैसे करना है। सी आई हैव टेकन अ बिग रजिस्टर बिकॉज मेरे पास अभी यही अवेलेबल था, तो मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, आप इनको अपनी नॉर्मल नोटबुक में कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड जो लिया है, सबसे पहले आप लेसन नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, डेट डालेंगे, नेक्स्ट डालेंगे बॉडी पार्ट्स, ले पाकती द्यूकॉप। बॉडी पार्ट्स में मैंने क्या किया है, चार कॉलम बनाए हैं, नंबर, ऑंगले, फ्रॉन्स से मैस्कुलिन, फ्रॉन्स से फेमिनिन। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रेंच में नाउन्स को मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में डिवाइड किया गया है, तो बॉडी पार्ट्स भी हमारे नाउन्स में ही आएंगे, तो बॉडी पार्ट्स को भी हमने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आई हैव रिटन ऑल द मैस्कुलिन नाउन्स, देन आई हैव रिटन ऑल द फेमिनिन नाउन्स, ठीक है। तो जो नेक है, गर्दन, उसको हम मैस्कुलिन ट्रीट करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे मैंने 21 बॉडी पार्ट्स लिए हैं मेन में, इन्हें हम देखेंगे। मैंने फ्रेंच में लिखा है, इनका जो प्रोनंसिएशन है वो हिंदी में लिखा है, सिमिलरली हियर। इसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेबल द बॉडी पार्ट्स, बुक की हेल्प आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में मैंने फेस को लिया है, फेस के साथ भी वही है कि हम इन्हें मैस्कुलिन और फेमिनिन में लगाते हैं। अब पहला जो लिखा है मैंने वो हेयर लिखा है, ले शेवू। हेयर जो है हमेशा हम कलेक्टिव नाउन्स में आता है, इट मीन्स पूरे ग्रुप में आएगा, तो उसको हमने प्लूरल ट्रीट किया है। लेकिन अगर आप एक बाल की बात करेंगे, एक हेयर की बात करेंगे, तो वो मैस्कुलिन ट्रीट होगा, ओके। इसी तरह से ये बना के हमें ड्रॉ करना है पिक्चर ह्यूमन फेस एंड लेबल द पार्ट्स। ये दो पेपर और ग्रामर का पोर्शन मैंने ऑलरेडी आपको एज अ पीडीएफ फाइल सेंड कर दिया है, तो प्लीज़ आपको उसी मैनर में अपना वर्क कंप्लीट करना है। इतना करके देखिए, रीड करके देखिए, इफ़ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन कॉल मी। टुमारो वी विल मीट एंड वी विल डू द एक्सरसाइजेज, सो हैव अ लुक, ओके, एंड रीड अगेन एंड अगेन। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, आपको वोकैबुलरी वर्ड्स पीछे भी दिए हुए हैं बुक में, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अहवा अदमा।